सत श्री अकाल, मैं हरजीत अपने चैनल हरजीत की रसोई में आप सभी का स्वागत करती हूँ। ये देखिए कितना क्रिस्पी डोसा बना है। आवाज ही आपको पता चल रहा होगा, ये बहुत क्रिस्पी बना है और बना भी बहुत ही आसानी से है। आज मैं कुछ टिप्स के साथ आपको डोसा बनाना बता रही हूँ, जिससे कि आप बिल्कुल ऐसा ही डोसा घर पर बहुत आसानी से बना पाएंगे। और साथ में इसके मैं बना रही हूँ नारियल की चटनी। तो फिर अब डोसा बनाना शुरू करते हैं। डोसा बनाने के लिए आपने लेनी है 1 कप सूजी यानी कि रवा। सूजी आपके पास मोटी वाली हो या बारीक, जो भी हो आप उसे ले लें। साथ में आप ले एक मिक्सी का जार और इसमें डाल दें सूजी को। सूजी को हमने बारीक पीस कर लेना है, चाहे वो बारीक वाली ही हो चाहे वो हो मोटी वाली, तो आपने इसे पीस कर ही लेना है। अब ये देखें, मैंने इसको पीस लिया है, ये बारीक हो गई है, बिल्कुल आटे की जैसी तो नहीं होगी, थोड़ी तो दरदरी रहेगी। अब इसमें हम मिला लेंगे 2 टेबल स्पून व्हीट फ्लावर यानी गेहूं का आटा। ये देखिए इतनी बड़ी स्पून मैंने ली है, आपने भी ऐसी कोई स्पून लेनी है, उससे नाप कर डालना है। अब इसी में डाल देंगे हम दही। तो दही मैंने लिया है 3/4 कप। जिस कप से नाप कर आप सूजी लें उसी से नाप कर दही ले लें। तो ये दही देखिए आप 1 कप से थोड़ी कम है और 1/2 कप से थोड़ी ज़्यादा यानी 3/4 कप लेनी है। तो ये मैंने फ्रेश दही ली है, अगर थोड़ी सी खट्टी दही होगी तो वो भी चल जाएगी। अब इसे पीसना है, तो पीसने के लिए इसमें थोड़ा सा पानी भी मिलाएंगे। तो ये मैंने पानी लिया 1/4 कप, इसको मिला देंगे और इसको बिल्कुल बारीक सा पीस लेंगे। तो ये देखिए मैंने इसे पीस लिया है, इतना बारीक हो गया है। ये अभी थिक है, काफ़ी थिक लग रहा है, तो इसे अभी एक बॉल में शिफ्ट कर लेते हैं। अब इसमें डाल देंगे थोड़ा सा पानी। तो 1/4 कप पानी मैंने और ले लिया है, पर इसे पूरा नहीं अभी डालेंगे, इससे भी आधा इसमें डालकर इसको मिलाकर देख लेते हैं। तो इसको मिक्स करने के लिए चाहे तो स्पून से कर लें या स्पैचुला ले लें या फिर इस तरह का विस्कर ले लें। तो अब इसकी आप कंसिस्टेंसी देखें, अभी ठीक लग रही है, तो इसे कवर कर देंगे और 15 मिनट के लिए रख देंगे, क्योंकि इसमें हमने सूजी डाली है तो अभी फूलेगी। तब तक हम चटनी बना लेते हैं। नारियल की चटनी बनाने के लिए मैंने लिया है 1 कप डेसिकेटेड नारियल यानी कि नारियल का बुरादा। तो ये नारियल का बुरादा जो है वो ये सूखे हुए नारियल का बुरादा नहीं होता है, ये पानी वाले नारियल का बुरादा है। तो साथ में मैंने लिया है 1/2 कप दही और ये मैंने लिए हैं 2 हरी मिर्च और थोड़ा सा अदरक लिया है और 2 स्पून के करीब मैंने भुनी हुई मूंगफली के दाने लिए हैं। अगर आपके पास भुनी हुई मूंगफली नहीं है, कच्ची मूंगफली है, तो आप उसे थोड़ा सा भून लें, रोस्ट कर लें। अब ले लेंगे एक मिक्सी का जार और इसमें डाल लेंगे नारियल का बुरादा, हरी मिर्च, अदरक, मूंगफली और दही और स्वाद के अनुसार डाल लेंगे नमक। और इसको अभी पीसना है, तो अभी मैं पानी नहीं डाल रही, ज़रूरत नहीं लग रही है। अगर पीसते वक्त आपको ज़रूरत लगे तो थोड़ा सा पानी डाल लें, 1-2 चम्मच के करीब। अब ये मैंने चटनी को पीस लिया है, इसमें मैंने पीसते वक्त 2 चम्मच के करीब पानी डाल लिया था। अब ये चटनी वैसे तो तैयार है, पर इसके ऊपर मैं एक छोटा सा तड़का लगाऊंगी। तो इसके लिए एक पैन ले लिया, इसमें डाल लेंगे 1 टेबल स्पून के करीब ऑयल। ऑयल गर्म हो गया तो इसमें डालेंगे 1/2 टीस्पून राई या सरसों दाना, जो आपके पास हो डाल लें। अब ये राई जो है वो क्रैकल हो गई है, तो इसमें मैं डाल रही हूँ 2 सूखी हुई लाल मिर्च और थोड़े से कड़ी पत्ते डाल देंगे और गैस को कर देंगे बंद। अब ये तड़का हो गया है तैयार, तो इसे चटनी में मिला देंगे। अब ये देखें हमारी टेस्टी सी नारियल की चटनी बनकर तैयार हो गई है। अब तक 15 मिनट हो गए हैं बैटर को रखे हुए, तो देख लेते हैं। सूजी थोड़ी फूल गई है, बैटर भी थोड़ा सा थिक हो गया है, तो इसमें 1 स्पून के करीब 1 चम्मच के करीब बस पानी डालेंगे। जो हमने 1/4 कप पानी लिया था उसी में से ही डाला है, उसमें सिर्फ 1 स्पून पानी बचा है, ज़रूरत होगी तो उसे भी मिक्स कर लेंगे। डोसे का बैटर जो है वो थिक साइड पर रखना है, इसे हमने पतला नहीं करना है। अब इसमें डाल देंगे 1 टीस्पून नमक या स्वाद के अनुसार नमक डाल लें इसमें, और साथ में इसमें डालेंगे बेकिंग सोडा 1/4 टीस्पून। बेकिंग सोडा जिसे कि मीठा सोडा, खाने वाला सोडा भी कहते हैं, उसी को डालना है आपने। इसको डालकर मिक्स कर लेंगे। सोडा डालने के बाद आपने बैटर को ज़्यादा देर रखना नहीं है, साथ के साथ ही बनाना है। अगर आप थोड़ी देर रख देंगे, सोचेंगे थोड़ी देर बाद बना लेते हैं, तब जब आप डोसा बनाएंगे तो वो क्रिस्पी नहीं बनेगा, सॉफ्ट सॉफ्ट सा बनेगा। इसलिए इस बात का आपने ध्यान रखना है कि सोडा डालने के बाद आपने फटाफट बनाना है, या फिर जब आप बनाने लगे तभी आपने सोडा डालना है इसमें। अब लास्ट में इसकी आप कंसिस्टेंसी एक बार चेक कर लें, देखें ऐसा रखना है।
ना ये पतला है ना ज़्यादा थिक है, ऐसी ही कंसिस्टेंसी आपने बैटर की तैयार करनी है। अब करना है तवा गर्म, तो ये मैंने नॉनस्टिक तवा ले लिया है, आप जिसमें डोसा बनाते हैं वही ले लें। तो डोसा बनाते वक्त अक्सर सभी को यह दिक्कत आती है कि डोसा के बैटर जब हम तवे पर फैलाते हैं तो कलछी या चम्मच जिससे भी फैलाते हैं उस पर चिपकता है, अच्छी तरह से तवे पर फैलता ही नहीं है, कड़छी पर चिपक चिपक कर बाहर आता है। तो इसके लिए मैं आपको कुछ टिप्स बताऊंगी, तो आप उनको ध्यान में रखेंगे तो डोसा बहुत अच्छा बनेगा। सबसे पहली टिप तो ये है, आपको तवा बहुत ज़्यादा हाई गर्म नहीं करना है, यानी कि तवा एक बार गर्म हो जाए तो आपने उस गैस को बिल्कुल सिम करना है और उसके ऊपर आपने थोड़ा सा डालना है ऑयल। ऑयल आप थोड़ा सा ही डालें एक चम्मच के करीब, और उसे आप पेपर नैपकिन या किचन टाल से पूरे तवे पर फैलाते हुए पोंछ दें, साफ कर दें। अब इसके ऊपर डालें थोड़ा सा पानी, तो पानी आप ठंडा इसमें डालें और इस तरह से उसे भी पेपर नैपकिन या किचन टाल से पूरे तवे पर फैलाकर साफ कर दें। इससे तवे का टेम्परेचर जो है मीडियम हो जाए, बिल्कुल गर्म ना रहे, मीडियम हो जाए, और ठंडा भी नहीं रहना चाहिए तवे को। और गैस की फ्लेम को अब हमने बैटर डालते वक्त सिम करना है, और इसके ऊपर एक स्पैचुला ले लें, जितने बड़े साइज की आप डोसे बनाना चाहते हो उतनी बड़ी स्पैचुला ले लें और उससे भरकर इसमें बैटर को डालें। अब तवे के ऊपर आपने बैटर को डालना है, इस तरह से फैलाना है कि पहले बीच से फैलाना है फिर बाहर की साइड पर लाते हुए फैलाते जाना है। ये देखिए, इस समय आपने बैटर को फैलाते हुए एक बात ध्यान रखनी है कि आप जिस भी कड़छी या स्पैचुला से बैटर डाल रहे हैं उसे आपने बिल्कुल भी उठाना नहीं है, यानी कि एक साथ फैलाते जाना है बैटर को, जब तक पूरा बैटर फैल ना जाए आपने कड़छी को उठाना नहीं है। अगर आप इसे ज़रा भी तवे से ऊंचा करेंगे तो जो बैटर है आपने फैलाया हुआ है वो कड़छी के साथ लगकर ऊपर आ जाएगा। अब ये ऊपर से सूख गया है तो इस पर थोड़ा सा ऑयल या बटर लगाकर ब्रश से फैला लेंगे। अब गैस को इस समय, अब इसको फैलाने के बाद गैस को कर देंगे मीडियम और इसे पकने देंगे। जब ये बैटर सूख जाएगा, मॉइस्चर इसमें से हट जाएगा, तभी ये क्रिस्पी सा डोसा बनेगा। अगर आप सोचेंगे कि नहीं नहीं ये तो सूखा लग रहा है, इसे पलटते हैं, तो इस समय अगर आप पलटेंगे तो ये बिल्कुल सॉफ्ट सा रोटी की तरह बन जाएगा, क्रिस्पी नहीं बनेगा। आज मैं बना रही हूँ प्लेन डोसा। अगर आप इसे मसाला डोसा बनाना चाहते हैं तो आप आलू का मसाला बनाकर इसे मसाला डोसा भी बना सकते हैं। अब इस समय आप देखें इसका कलर कहीं कहीं से थोड़ा सा डार्क सा लग रहा है ना, तो इस समय अब आपको लग रहा होगा कि बैटर बहुत सूख सा रहा है, पतला भी हो गया है, तो इस समय आपको इसको इस तरह से पलटना है। हल्का सा हटाएंगे, ये चिपका हुआ नहीं है, बिल्कुल भी आराम से हट रहा है, तो इसे आप हाथ की हेल्प से इस तरह से फोल्ड कर लें। ये देखिए बड़े ईजिली फोल्ड हो रहा है, ये बन गया है, कितना ईजिली बन गया है, कितना क्रिस्पी भी बना है और बहुत अच्छा इसका कलर भी आया है। तो मैं आपको फॉक से इस पर इस तरह से करके दिखा रही हूँ, देखें कितना क्रिस्पी बना है। अब ये डोसा तैयार हो गया है तो इसे निकाल लेते हैं। अब अगला डोसा बना लेते हैं। अगला डोसा बनाने से पहले थोड़ा सा ऑयल की ज़रूरत हो तो डाल लें, वरना कोई ज़रूरत नहीं होती है, ऐसे भी बन जाएगा। थोड़ा सा डाल लें पानी और उसको पेपर नैपकिन से या किचन टॉवल से साफ कर दें, और गैस को कर दें बिल्कुल सिम। तवा बिल्कुल ज़्यादा गर्म नहीं होना चाहिए। अब इस पर उसी तरह से स्पैचुला से बैटर को डालकर पहले अंदर की साइड पर फैलाएंगे, फिर बाहर की साइड से फैलाते जाएंगे। स्पून या स्पैचुला जिससे भी डाल रहे हैं उसको बिल्कुल भी उठाना नहीं है जब तक कि आप बैटर को पूरा फैलाना लें। अब ये ऊपर से सूख गया है तो इस पर थोड़ा सा ऑयल या बटर लगाकर ब्रश से फैला लेंगे। अब गैस को इस समय, अब इसको फैलाने के बाद गैस को कर देंगे मीडियम और इसे पकने देंगे। मैंने पहले भी इसे ट्राई किया है, तब ये इतने अच्छे नहीं बने थे, ये रोटी की तरह बिल्कुल मुलायम से बन गए थे, पर मुझे अपनी गलतियों का पता चल गया था तो उसको ठीक करके, गलतियों को अपनी मैंने ठीक किया, तो ठीक करके जब मैंने इसे बनाया तो ये देखिए आप, इसका रिजल्ट आपके सामने है। इसलिए मैं आपको बहुत सारे टिप्स दे रही हूँ और टाइम टाइम पर बता रही हूँ कि आपने कैसे बनाना है, जिससे कि आप जब बनाएं तो आपसे कोई गलती ना हो। तो ये देखिए इसका कलर ऊपर से थोड़ा थोड़ा ब्राउन हो गया है, तो इसको भी हाथ से फोल्ड कर लेंगे। देखिए फोल्ड हो गया है, बहुत ही पतला सा डोसा बनकर तैयार हुआ है, तो इसे निकाल लेंगे। इस तरह से बाकी के डोसे भी बना लेंगे। तो ये देखिए मैं आपको एक पीस पास से दिखा रही हूँ कितना पतला बना है, बिल्कुल पेपर डोसे की तरह बना हुआ है, तो थोड़ा सा मैं तोड़ कर भी दिखा रही हूँ। ये देखिए कितना क्रिस्पी बना है।
आप इसे चाहे तो सांभर के साथ खाएं या फिर चटनी के साथ खा सकते हैं, उसके साथ भी बहुत अच्छा लगता है। चाहे ब्रेकफास्ट में बनाएं या लंच डिनर कभी भी बनाया जा सकता है। तो आप इसे घर पर बनाएं और अपना फीडबैक दें। अगर रेसिपी पसंद आई हो तो आप इसे एक लाइक और शेयर जरूर कर दें। साथ ही आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। मिलते हैं अगली बार एक नई रेसिपी के साथ। स्टे हेल्दी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।